केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्री चार्जिंग स्टेशंस को केरला में इंस्टॉल करने वाली है। नवंबर से जनवरी 2020 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओनर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज करने के लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे। फरवरी 2021 से यूजर्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए हुए बिल को मोबाइल ऐप की मदद से पे कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती स्टेज में 6 चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना होंगी, नेमम, ओलाइल, एर्नाकुलम, वियूर, नलालम और चोवा में। दिल्ली गवर्नमेंट ईवी पॉलिसी अब एक्शन में आ चुकी है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंडर नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओनर्स को कई लाभ प्राप्त होंगे, जैसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट और टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के ओनर्स को 30,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेंगी, जिसका मतलब है कि दिल्ली ईवी के ओनर्स को दोनों ही फेम टू सब्सिडी के बेनिफिट्स और दिल्ली गवर्नमेंट के सब्सिडी का लाभ होगा। इलेक्ट्रिक कार्स की सब्सिडी 1.5 लाख रुपीज है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में बहुत अफोर्डेबल हो चुके हैं। उबर 1,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। हाल ही में कंपनी ने लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप किया ताकि 1,000 इलेक्ट्रिक कार्स को अपने सर्विस में शामिल कर सके। करंटली उबर के पास 100 इलेक्ट्रिक कार्स है, जैसे टाटा टिगोर ईवी और महिंद्रा ई वेरिटो। अमेजोन ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन प्रोटोटाइप को अनवील किया है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक वैन्स को रिवियन से ले रही है। ये वैन की एस्टिमेटेड रेंज 240 किलोमीटर है और ड्राइवर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरास और बिल्ट इन एलेक्सा इंटीग्रेशन इसके कुछ स्मार्ट फीचर्स है। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।